साथियों, हम देश के नागरिकों के लिए, सारी दुनिया में चर्चा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्लोबल कंपटीशन का वो एक दायरा बन गया है और उसका महत्व है, उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमने केंद्रित किया है ईज ऑफ लिविंग और देश के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के यूनिक कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। भारत में एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो लेकिन सेंसिटिव भी हो। रेलवे लाइनों को ब्रॉडगेज में बदलने की रफ्तार अब डबल हो चुकी है। रेल लाइनों का बिजलीकरण 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गांवों में सड़कें और नेशनल हाईवेज मेरी सरकार 2 गुनी रफ्तार से बना रही है। पहले जिस स्पीड से पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही थी, आज यही काम उससे 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। पहले सिर्फ बताऊं, चौंक नहीं जाएंगे ना, धक्का लगेगा आपको। पहले की सरकार में चार साल में 59 ग्राम पंचायतों के मुकाबले 59 ग्राम पंचायत के मुकाबले हमने 4 साल में 1,10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर को डाल दिया है। पहले सिर्फ 28 सरकारी योजनाओं के मुकाबले अब 400 से ज्यादा योजनाओं को और उसके पैसे लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट। यहां तक कि जो एलईडी बल्ब हम सरकार में आए उससे पहले 350-400 रुपये में बिकता था, वो आज सिर्फ 40-50 रुपये में बिकता है। 5 बार बोलोगे तो याद रहेगा, कितनी? वहीं आज इसकी संख्या 120 हो गई है। भारत में बन रहे मोबाइल ने इंपोर्ट करने का खर्च भी घटाकर आधा कर दिया है। भारत में आज बड़ी संख्या में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। सिर्फ पिछले 2.5 साल में भारत में 9,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बना है। और मेरे प्यारे भारत को प्रेम करने वाले, इंडोनेशिया में इंडिया को जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये हो रहा है। कानून वही है, बाबू लोग भी वही है, अफसर भी वही, दफ्तर भी यही, नियम भी वही, सब कुछ वही लोग हैं, सिर्फ बदली है सरकार और देश बदल रहा है।
वही कानून, वही नियम, वही अफसर, वही लोग, वही परंपरा, वही दफ्तर, वही टेबल, वही कुर्सी, उसके बावजूद भी अगर दिशा सही हो, नीति साफ हो, नियत नेक हो, तो विकास होकर की ही रहता है। ये हमने करके दिखाया। आज दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप इमिग्रेशन पर जैसे भी हिंदुस्तान का पासपोर्ट निकालते हैं तो ऊपर देखता है कि नहीं देखता है? वो आपको ऐसे बराबर देखता है, अच्छा हिंदुस्तान से आए। दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का भारत आज हिस्सा बना है। भारत सोलर एनर्जी को मानव कल्याण के हित में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगुवाई करने वाले देशों में से एक है। हमारी सरकार भारत को 21वीं सदी की आवश्यकताओं, आशाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने का काम कर रही है। आज भारत न्यू इंडिया के संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमें न्यू इंडिया बनाना है। 2022 तक जब भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे, न्यू इंडिया का सपना साकार करने के लिए हमें चल पड़ना है।